शेड्यूल क्या होगा। शेड्यूल एक व्यक्ति सबके लिए बनाए ये तो हास्यास्पद बात है, वैसे तो हर व्यक्ति अपना शेड्यूल खुद ही बनाएगा। एक बेसिक सा आइडिया हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। बेसिक बात जो है, डेली शेड्यूल में तीन कंपोनेंट्स का ध्यान रखिए। पहला कंपोनेंट है कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मेरा ख्याल है करंट अफेयर्स के लिए आप दिन में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय रखिए। इसमें मैगजीन भी कवर हो जाएगी, वेबसाइट भी कवर हो जाएगी। मैगजीन में करंट अफेयर्स के 60 ही तो पेज होते हैं महीने भर में, और 60 पेज पढ़ने के लिए अगर आप ठीक स्पीड से पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे में 6 पेज तो ही जाते होंगे आराम से। मतलब आराम आराम से पढ़ने की बात अगर करें तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी मैगजीन। 2 घंटे में कितने खत्म होते हैं पेज आपके? 6 नहीं हो पाते। 6 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, आराम से बता रहा हूँ। 6 तो कुछ बात ही नहीं है उसमें, तो ज़्यादा ही पढ़ते होंगे। मैं तो बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके साथ में नोट्स लिखते हुए उसकी बात कर रहा हूँ कि 6 पेज कर लेते होंगे आप। कुछ लोग 8 भी करते होंगे, 10 भी करते होंगे, कुछ तो 60 भी कर लेते होंगे। बस उनसे कुछ पूछिए मत बाद में क्या क्या पढ़ा है, तो ऐसे तो कर ही लेते होंगे। मैं कह रहा हूँ गहराई से पढ़ने में आपको शायद 2 घंटे में 6 या 8 पेज कवर होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना उन पेजेस में। जिन पृष्ठों पर तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं उन पृष्ठों को पढ़ने की स्पीड स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। वो उपन्यास नहीं कि आप 1 घंटे में 20 पेज पढ़ेंगे। किसी नॉवल को पढ़ते हो अगर आप 1 घंटे में 20-25 पेज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक स्पीड पे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के अगर आप 20-25 पेज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब चिंता की बात है ना। 2 घंटे में 6, 7, 8 पेज ठीक स्पीड है करंट अफेयर्स के मामले में। तो आप ये कर सकते हैं कि मैगजीन में रोज़ 1 घंटा लगाएं, क्योंकि 1 घंटा लगाएंगे तो भी आप 20-22 दिन में कवर कर लेंगे उसको। और 1 घंटा वेबसाइट पर लगाएं प्रतिदिन, और ये 2 घंटे अलग से रखिए, मिक्स मत कीजिए। जैसे आप तय कर ले अपना शेड्यूल, जो भी आपका दिन भर का शेड्यूल है, अगर आप रात को देर तक पढ़ते हैं या जल्दी सोते हैं, जैसा भी शेड्यूल आपका है, जैसे आप तय कर लें कि भाई डिनर के बाद के 2 घंटे ये, उसके बाद सो जाएं, या सुबह उठते सबसे पहले 2 घंटे ये, वो अपने हिसाब से देखिएगा। क्योंकि आपकी जो नेचर है उससे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपको रात को देर तक पढ़ना अच्छा लगता है तो वैसे ही पढ़िए। किसी के बेकार कई बेवकूफ़ कहेंगे सुबह उठना चाहिए, इससे ऊर्जा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सब बेकार की बातें। बढ़ा लीजिएगा बाद में, बढ़ा लीजिएगा आराम से, है ना। अभी तो पहले अपनी नेचर के हिसाब से पढ़िए। अगर आप निशाचर प्रकृति के, निशाचर रहिए, रात भर पढ़िए, कोई तनाव की बात नहीं। और यदि मुर्गा प्रकृति के, तो सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह पढ़िए। जो भी आपकी नेचर है उस नेचर के अनुसार पढ़िए। एक ही दिक्कत आती है, जो निशाचर लोग हैं उनको दिक्कत ये कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन वो सुबह उठ नहीं पाते, उनको तनाव रहता है कि सोएं कैसे। आदत है 4 बजे सोने की, उस दिन 12 बजे लेट जाते हैं, नींद नहीं आती है, ये दिक्कत आती है। इसके 2 समाधान हैं। या तो आप 10-12 दिन पहले से थोड़ा शेड्यूल चेंज करना शुरू कर दें, ये हो नहीं पाता प्रैक्टिकली। दूसरा समाधान है, इसे चिंता ना करें और प्रिलिम से 3-4 दिन पहले से नींद थोड़ी बढ़ा लें। 4 बजे सोएं, 12 बजे उठिए, 8 घंटा सो के उठिए। इससे क्या होगा कि एक दिन नहीं सो पाने से असर नहीं पड़ेगा। मैं ठीक प्रिलिम से बात कर रहा हूँ, 3 जून को एग्जाम है, 2 जून को रात को नींद नहीं आ रही, तनाव मत लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा माइंड इतना मजबूत है कि वो एक दिन बहुत कम नींद के साथ काम चला सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे पहले 3-4-5 दिन आपने नींद ज़्यादा ली हो, ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अपनी नेचर से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन उस नेचर के हिसाब से कोई 2 घंटे का शेड्यूल अलग से निकाल लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। इसी तरह से 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिविज़न के लिए। वरना इस पाठ्यक्रम में होता क्या कि एक क्रम से आप पढ़ते जाते हैं, उसी क्रम से पीसेज गायब होता जाता है, और फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं कि सब सफा चट एकदम, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर आपको लगता है कि याद तो नहीं आ रहा, वो 2 महीने गए कहाँ मेरे जीवन के, जो 2 महीने मैंने गुजारे थे इसमें, कुछ चले कहाँ गए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि उस समय का मूल्य रहे, तो दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय रखिए केवल रिविज़न का। पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा है उसको फिर से तेज़ी से पढ़ लीजिए। मनोविज्ञान में एक सामान्य बात है कि जिस चीज़ की रिविज़न आपने 3 बार कर ली, वो चीज़ आप आराम से भूल नहीं सकते। और 3 रिविज़न का मतलब है जिस दिन पढ़ा उसी दिन कर लीजिए, 1 बार वीकली रिविज़न, 1 बार मंथली रिविज़न कर लीजिए। तो रिविज़न रोज़ 1-2 घंटे, क्या होता है ना, जब पाठ्यक्रम बहुत सारा हो तो हमें लगता है रिविज़न बाद में कर लेंगे, छोड़ देते, पर ये वेस्टेज है। सारा पढ़ते जा रहे हैं, याद एक भी नहीं है। इससे बेहतर है कि 70% पढ़ा और 70% याद भी है। तो रिविज़न को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, और सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही सबसे पहले आप 2 घंटा रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो है वो शेड्यूल स्टडीज़ का रखिए, जो नया नया पढ़ना है। और मेरे ख्याल से अब आप जिस दौर में आ गए हैं, अगर आपकी मान लें कि 3 घंटे की क्लास होती है और 4 घंटे ही हो गए, 7 हो गए, तो आप कम से कम
पांच से छह घंटे और निकालिए स्टडीज के लिए। मैं जानता हूं कि जब बच्चे नए नए आते हैं तो हम कहते हैं कि आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा घूमिए, 8-8-8 का नियम बताते हैं शुरू में, और नए नए बच्चों के लिए होता है। अब बच्चे छोड़ना है, अब आप बड़े हो गए हैं, और मतलब वैसे भी भारत के अलावा दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं होता कि 30 साल के बच्चे अपने घर से पैसे लेके पढ़ रहे हों। तो जब आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप फुल टाइमर स्टूडेंट्स हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 12-13 घंटे तो बनते हैं कम से कम। और जब परीक्षा एकदम नज़दीक आए तब 8-10 दिन 14-15-16 घंटे भी बनते हैं उस समय। 15-16 घंटे रोज की बात नहीं हो सकती, पर 5-7 दिन तो हो ही सकता है परीक्षा के नज़दीक जब हो इतना घंटे।